माँ पुण्य सलीला नर्मदा मैया के उत्तरी तट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री बलिपुर धाम में जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि श्री श्री 1008 श्री गजानन महाराज बलिपुर धाम में ब्राह्मणों को निशुल्क कार्यक्रम 72 वर्षों से करते आ रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए परम संत श्री योगेश जी महाराज विगत 16 वर्षों से निःशुल्क कार्यक्रम करवा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म में हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को विलुप्त होने से बचाने हेतु संस्कृत पाठ पढ़ाने हेतु भरसक प्रयास कर रहे हैं। यह कदम बहुत ही सराहनीय है। आध्यात्मिक ग्रंथों में जनेऊ का विशेष महत्व है। एक तरह से ब्राह्मणों का मिलन दिवस भी हो जाता है। जनेऊ पहनने से पवित्रता का एहसास होता है। यज्ञों परम पवित्रतम के तहत 16 संस्कारों में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार भी है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। और आज ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार निःशुल्क किया है। प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष होता है, चैत्र की दशमी को भी होता है। सौभाग्य यहाँ पे जो आने वाले हैं बालक उनको मिलता है। ये एक ऐसी भूमि है, सिद्ध भूमि है, पवित्र भूमि है और भारतवर्ष में ये एक अद्वितीय स्थान है जहाँ पे ब्राह्मण अपने कर्म से जुड़ते हैं, जागृत होते हैं। आज कितने ब्राह्मणों का यज्ञ संस्कार हुआ? आज 31 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ है बलिपुर धाम जिला धार मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।